अगले महीने होने जा रहे 3 दिवसीय G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर है। इसके लिए कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कौन कर रहा है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहस छिड़ गई है। आपका दावा है कि कुछ कुछ छोड़कर बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली सरकार ने फंडिंग की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र के फंड से दिल्ली के सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं। बीजेपी ने तो आपको यहां तक चुनौती दी है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पैसा खर्च किया है तो वह इसका सबूत पेश करे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की निगरानी में राजधानी में सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें पेड़ लगाना, दीवारों पर पेंटिंग, साइनेज और लाइट लगाना, तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। यह बहस तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन से संबंधित जो भी विकास कार्य दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार फंड भेज रही है। सचदेवा ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने अपनी घोषित योजनाओं पर काम किया होता तो G20 से पहले दिल्ली के बड़े बाजार आज चमक रहे होते। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा कि कुछ योजनाओं को छोड़कर बाकी सभी के लिए दिल्ली सरकार ने फंडिंग की है। आपने कहा कि सिर्फ NDMC और NHI के प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कितनी आश्चर्य की बात है कि आप सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बीजेपी अपना बताकर क्रेडिट ले रही है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने PWD सड़कों पर पैसा खर्च किया और MCD सड़कों के लिए MCD ने फंडिंग की है। केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ NDMC और ANHI सड़कों के लिए फंडिंग की गई। आपने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस स्तर की राजनीति से देश का कोई भला नहीं होने वाला। आपके इस बयान के बाद बहस और ज्यादा बढ़ गई और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने चुनौती दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं जिसकी फंडिंग उन्होंने की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, अगले महीने दिल्ली में G20 समिट होना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली में जुटेंगे। ऐसे में 8 से 10 सितंबर तक सभी प्राइवेट और दिल्ली सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। नई दिल्ली के बाजार समेत बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के कार्यालय भी 3 दिन के दौरान बंद रहेंगे। वैसे समिट का आयोजन 3 और 10 सितम्बर को होना है, लेकिन सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विदेशी मेहमानों का दिल्ली में आना 8 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर से ही छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया है, जबकि इसे एक दिन पहले 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन भी अवकाश रहेगा। ऐसे में 7 से 10 सितंबर तक एक तरह से छुट्टी रहेगी। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में छुट्टी की खबर के साथ यह भी जानना जरूरी है कि उन 72 घंटों में क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, कौन सा रूट प्रभावित हो सकता है और कौन सा मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।